गाइज आज आप लोगों की हाई डिमांड के ऊपर हम आपके लिए वापस एक धमाकेदार प्रैंक लेकर आए हैं और ये प्रैंक कोई ऐसा वैसा प्रैंक नहीं होगा गाइज, काफ़ी धमाकेदार होगा। मैं आपको बता देता हूँ हम करने क्या वाले हैं। भाई ये रास्ते पर हम खड़े हैं, यहाँ से जो भी गुजरेगा हम उसका स्मार्टफोन मांगेंगे कि भाई दे दो, एक आध कॉल करना है, बाद में उनके साथ थोड़ी सी मस्ती करेंगे और लास्ट में उनका जो फ़ोन होगा, जो फ़ोन वो हमें देंगे, हम उसे तोड़ देंगे, पूरी तरीके से चकनाचूर कर देंगे और बाद में देखेंगे कि उनका जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, उन्हें कितना गुस्सा आता है। और भाई हम इतना ही नहीं करेंगे, साथ ही साथ फ़ोन तोड़ने के बाद में उनका गुस्सा देखने के बाद में हम उसको एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जो वो गिफ्ट में करेंगे, जो कि अभी एक सील पैक डिब्बा है, हमने इसको खोला भी नहीं है, ये हम उसको दे देंगे और बाद में देखते हैं कि उनका जो रिएक्शन होता है नए फ़ोन मिलने का वो कैसा होता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा गाइस मज़ेदार तो होने ही वाली है और साथ ही साथ मुझे आपसे एक छोटी सी शिकायत है यार, आप में से काफ़ी सारे लोग यार वीडियोस को रेगुलरली देखते बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। भाई ऐसा क्यों करते हो, प्लीज़ यार करो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर प्रेस, 2 मिलियन हमें फटाफट से टच करने, करिए फटाफट से सब्सक्राइब। सो गाइस हम रास्ते पर आ चुके हैं और भाई इस नाटक को करने के लिए हमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा और बाद में सोचा कि कैमरा वगैरह साथ होगा तो वो बंदा तो पहचान जाएगा, तो हमने लगाया कि मैं रिपोर्टर बन जाता हूँ। तो ये माइक वगैरह लाया, वैसे ये माइक नहीं है, ये है ट्रिमर इसको हमने ऐसे लगा दिया, बट उस बंदे को क्या ही पता चलेगा जो यहाँ से निकलेगा। बट अभी तक गाइस हम 2-3 मिनट से खड़े हैं बट कोई अभी तक निकला नहीं है, तो मेरे हिसाब से कोई ना कोई अभी थोड़ी देर के अंदर निकलेगा और हम उसका बकरा बना देंगे। लेट्स सी रिएक्शन क्या आता है जब उनका मजाक बनाएंगे, हम उनका फोन तोड़ देंगे और लास्ट में हम उन्हें एक गिफ्ट देंगे, वो भी ब्रांड न्यू स्मार्टफोन। आ रहा है कोई, भाई कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है, चलो शुरू हो जाओ। चलो गाइज मैं हूँ जाबाज रिपोर्टर छोटू असिस्टेंट के साथ में कैमरामैन सब्जी वाला और यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है फिर भी हम आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर डायनासोर ने हमला कर दिया था बट पेट्रोल के दाम जो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसीलिए हमने जो वो डायनासोर को भगा दिया था। और अभी कोई भाई साहब आ रहे हैं, चल रहे उनके थोड़ी सी मस्ती करते हैं, लेट्स सी उनका रिएक्शन जो है वो क्या होता है। भाई यहाँ पर हाल ही में बाढ़ आई थी, हमने तैर कर यहाँ पर रिपोर्टिंग करी, हमने आपके लिए ही वो रिपोर्टिंग करी थी, हमें और कुछ नहीं चाहिए था। और यहाँ पर कोई बंदा आ चुका है, रुक जाओ भाई, एक छोटी सी रिपोर्टिंग चल रही है, न्यूज चैनल से आए हम लोग, ये आपके साथ में बच्ची है, नाम क्या है तुम्हारा? भाई ये बच्ची कुछ बोल नहीं रही है, तो भाई यहाँ पर ठीक है थोड़ी देर गाड़ी बंद कर देते। ओके गाइज यहाँ पर भारी बर्फबारी होने की वजह से काफ़ी सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे, काफ़ी ज़्यादा प्राणी जो वो मर चुके थे, तो चलिए इनसे पूछ लेते हैं कि कैसी बारिश हुई कल। अरे बहुत हो बारिश हुई कल, चल झूठा। तो भाई यहाँ पर बारिश तो कल हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो पानी भी भरा पड़ा है। एंड भाई दूसरी चीज़ अगर देखें तो यहाँ पर तापमान जो आए दिन बढ़ता रहता है, कभी कभी यहाँ पर आग लग जाती है, उतना ज़्यादा तापमान हो जाता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, तो अगर कल यहाँ पर बर्फबारी हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा? होती है यहाँ पर बर्फबारी? चलिए कोई बात नहीं, बर्फबारी तो नहीं होती होगी मेरे हिसाब से, बट गाइज यहाँ पर जो वो खतरा कम नहीं है, कभी भी जो वो ज्वालामुखी जो फट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, एलियंस का हमला हो जाता है इस जगह पर। तो ये जो एरिया है इसे रेड अलर्ट में डाल दिया गया है, यहाँ से कोई गुजरता नहीं है, ये तो ये भाई सब हिम्मत वाले है तो यहाँ पर आए हैं। वैसे भाई आपके पास फोन होगा? हाँ तो जरा दीजिए, मुझे कॉल लगाना है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है बताओ, तुम बताओ। अच्छा ये फोन किसका है? तो भाई ये है इन भाई साहब का फोन, आप देख रहे हो, इस फोन से मैं है ना अभी अपने दोस्त को कॉल लगाने वाला हूँ। तो भाई इसका पासवर्ड खोल दीजिए जरा, मुझे पासवर्ड पसंद नहीं है, मतलब पता नहीं है। तो भाई फोन जो वो खुल चुका है, ये देखिए अभी मैं इसमें से कॉल लगाने वाला हूँ अपने दोस्त को। भाई दोस्त ने ऐसा किया कि मुझे है ना शादी में बुलाया नहीं है, उसकी शादी है परसों बट अभी तक उसने मुझे बुलाया नहीं है, मैं जब भी कॉल करता हूँ मेरा फोन वो उठाता नहीं है, तो मैं दूसरे के फोन से उन्हें कॉल करने वाला हूँ। ओके वैसे आपके दोस्त बुलाते हैं आपको शादी में? हाँ बुलाते हैं ना। भाई देखो मेरा दोस्त कैसा है, मुझे शादी में बुलाता ही नहीं है। हेलो, हाँ भाई यार तूने शादी में नहीं बुलाया? नहीं भाई तू कॉल भी नहीं उठा रहा, अब पहचान गया तू? नहीं तुझे मैंने 200 कॉल कर दी यार, सुबह से कॉल कर रहा हूँ, तेरी कल शादी है और तुझे नहीं यार, अरे इन्विटेशन कार्ड भी नहीं मिला, तुझे कॉल भी किया था मैंने, तू कॉल नहीं उठा रहा, ना तो तूने कॉल किया है ना ही कुछ किया है। देखो ये भाई साहब भी बुरा बोल रहे हैं, मतलब यार ये सही नहीं है, सही नहीं है ना भाई? सही नहीं है ना। तो भाई देखो यार ये सब बोल रहे हैं, नहीं यार तुझे बुलाना चाहिए, इनविटेशन तो लेना पड़े ना। अरे यार ये आपका फोन पुराना है? हाँ है ना पुराना। नहीं इसमें से आवाज थोड़ी सी कट रही है। ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? नहीं आवाज आएगी ना, ठीक आवाज आएगी इससे, थोड़ा सा
इसमें से ना जाएगा, अरे नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा बेटा, टूटेगा कुछ भी नहीं है अभी, टूटेगा ये फोन टूटेगा। देखो भाई ये भी कुछ नहीं बोल रही, मतलब नहीं टूटेगा, थोड़ा सा साफ कर दे भाई। नहीं 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 कुछ नहीं होगा, हम लोग तो ले लोगे, हम लोग कैसे लेगा फोन। अरे यार नहीं कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हो जाए तो बात बताना ठीक है। हेलो, हाँ क्या बोल रहा था मैं, तूने भाई शादी में अभी तक नहीं बोला यार। आवाज आई? हाँ आवाज तो अभी ठीक आ रही है थोड़ी देर बाद। हाँ तो कोई बात नहीं, तेरी मेरी दोस्ती खत्म। हाँ ठीक है, हाँ रख फोन, मेरी वजह से आपका जो फोन है वो थोड़ा सा गंदा हो गया, दोस्त ने काफी ज्यादा गालियां बक्की, तो अभी ये फोन जो खराब हो चुका है, तो आपका फोन साफ कर दूं? What? साफ नहीं, हमारे थोड़ी साफ नहीं होएगा ना। नहीं साफ, अरे अरे रुको रुको, साफ कर देते अभी, नया हो जाएगा। हंसदे चेहरे दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्हां नूं कोई तकलीफ नहीं हुंदी, ओहदा मतलब ये हुंदा कि उन्हां नूं तकलीफां नाल डील करना हुंदा। बिल्कुल सही, चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। देखो गाइस, इनका फोन जो मैंने साफ कर दिया, पानी में डाल देता हूं एक बार और, भाई बिगड़ जाएगा। अरे नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखिए भाई मैंने अच्छे से साफ कर दिया इनका स्मार्टफोन, देखो। अरे नहीं 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 बिगड़ेगा, देखो अभी तक चल तो रहा है, देखो सब चल रहा है ना, ठीक है यार, सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं होता। फोन वाटरप्रूफ आते हैं आजकल यार, पूछो इस बच्ची को भी पता है ना, है ना। अभी यार मैं एक और कॉल लगाता हूँ, बाद में आपका फोन देता हूँ, सॉरी। हाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, मैं कॉल लगा लूँ? लगा लो यार, पानी में क्यों डाल रहे वो। तो भाई अभी है ना मुझे अपने एक और दोस्त को कॉल करना है। क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, देखो जरा, देखो पासवर्ड खोलिए जरा, देखो साफ भी कर दिया, फोन भी बढ़िया से चल रहा है। अभी मुझे मिलाना है दूसरा कॉल। हाँ ये बता, तूने मुझे हाँ बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया था यार? हाँ नहीं बुला था तो ठीक है, हमें भी तुझे नहीं बुलाऊंगा, देख लूंगा, 10 साल पहले मैंने तो तुझे बुलाया था, तू बर्थडे पार्टी पर। भाई साहब ये इससे बात करिए आप, ये बंदा ऐसा है कि ये मुझे बोल रहा है कि तूने मुझे बर्थडे पार्टी पे नहीं बुलाया, बट मुझे अच्छी तरीके से याद है 10 साल पहले मेरा बर्थडे आया था तो मैंने इसको बुलाया था, क्या इसे मुझे बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए ना। हाँ तो यार ये देखो यार, तू इतनी, मैं तुझे क्या बताऊँ यार, मुझे तुझ पर गुस्सा आ रहा है, एक पत्थर ले आ, यहाँ पर रखो। देख भाई मैं तुझे लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर तूने इस बार मुझे बर्थडे पर नहीं बुलाया तो तेरी खैर नहीं। हाँ ठीक है, रख दो, तोड़ दो, तोड़ दे। अरे भाई, अरे भले तोड़ देंगे, तोड़ दे तो। अरे वो बर्थडे पर कैसे नहीं बुला था? अरे यार मेरा फोन, अरे बच्ची रो रही है अभी। अरे यार क्या वैसा का वैसा है, तोड़ दिया सब कुछ यार। अरे नहीं यार, उनको कॉल करने दिया और तोड़ दिया फोन यार। अरे नहीं यार सही, ऐसा थोड़ी करते हैं कोई। अरे वो आपकी बात सही है, बट देखिए आपका फोन चलेगा मेरे हिसाब से, चलेगा। अरे चलेगा यार, चलेगा बच्ची, ये फोन टूटा है। देखो भाई, देखो ये बच्ची रो रही है। फोन गाइस टूटा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, फोन वैसा का वैसा है, कुछ नहीं हुआ है फोन का। देखो मैं ढक्कन बंद कर देता हूँ, चलो हमें लेट हो रहा है, हम निकलते हैं। क्या करेंगे यार? अरे वो आप अपने हिसाब से देख लेना, तुम लोग ऐसे करते हो। नहीं चलो चलो। अरे नहीं यार, फोन आपका चलेगा कोई नहीं। नहीं यार ये टार्जन वाला चलेगा, इसमें क्या चलेगा भाई? ये फोन टार्जन वाला फोन है, ये अपने आप सही हो जाता है, आप घर पर पहुंचोगे सही हो जाएगा। बैटरी बच्चा रो मत, कोई बात नहीं, फोन जो सही हो जाएगा। चलो सब्जी वाला कैमरामैन के साथ हम यहाँ से रिटायरमेंट लेते हुए। गाइस हमने उनका फोन तोड़ दिया, बट उनका जो रिएक्शन था वो उन्होंने ज्यादा कुछ गुस्सा नहीं किया, पता नहीं उनका पुराना फोन था, उन्हें तोड़ना ही था ऐसा कुछ था। ओ जा रहे हैं भाई साहब, भाई साहब जा रहे हैं, भाई साहब जा रहे हैं। रुकिए रुकिए जरा, वैसे आपको गुस्सा नहीं है? गुस्सा तो आते है ना, बट यार आप सच सच बताना, आपके सामने कैमरा था इसलिए आपने कुछ गुस्सा नहीं किया? बेटा रो मत, अभी ये फोन है ना आपका सही कर दूंगा मैं, ठीक है। हम यहाँ पर आपको है ना निराश नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने आपका फोन जो वो तोड़ दिया है, एंड दूसरी बात ये है कि भाई मुझे आपका जो नेचर है वो काफी ज्यादा पसंद आया। भाई हम इनके फोन के ऊपर हमले कर रहे थे, इनको गुस्सा जरा भी नहीं आया, और हाँ गुस्सा आया होगा बट पता नहीं कैमरा देखकर इन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं दिया। बट ठीक है, ये फोन आप रखिए, और मैं आपको देना चाहूंगा एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जो कि पेटी वेग है। जी हाँ गाइस, कौन है? हाँ देखिए है ना बढ़िया। अभी देखिए हमने सोचा था कि है ना इसको खोलेंगे भी नहीं, देखो एकदम हमने सील पैक ही रखा है, जिसके ऊपर हमने सोचा था ये प्रैंक करेंगे उनको, डायरेक्टली मौका देंगे इसको ओपन करने का। ओके वैसे भाई साहब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपके साथ, वैसे गाइस मैंने ऐसी रिपोर्टिंग फर्स्ट टाइम की थी, बहुत अच्छा लगा इस भाई साहब के साथ, मतलब ये प्रैंक करके यार इन्होंने गुस्सा नहीं किया। क्या आपने ऐसी वीडियोस देखी है यूट्यूब पर पहले? नहीं देखी है। मैं आपको बता दूं हमारा एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, और ये वीडियो उसी के ऊपर आएगी। ओके मैं इस फोन से सब्सक्राइब कर दूंगा आपको, पकड़ो इसे जरा। तो ये लीजिए आपका ब्रांड न्यू चमचमाता फोन, जिसे अभी मैं ना इसमें से ये भी नहीं निकाल रहा हूँ, आप अपनी तरफ से निकाल लेना। ओके
बाकी फोन देखिए गाइज, एकदम चमकता हुआ फोन है। तो गाइज ये है इनका नया फोन। अब बताइए कैसा लगा आपको ये फोन? अरे बहुत मजा आया यार। मेरा पुराना फोन था और तोड़ दिया, ये तो नया मिल गया अभी तो। हाँ तो यार, हमने ना आपको और परेशान नहीं किया क्योंकि आपने हम पर ऐसा ज्यादा कुछ गुस्सा भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा और है ना परेशान नहीं करते आप लोग। देखो तो ऐसा लगा कि मेरा फोन गया। कोई बात नहीं, चलिए आपको नया फोन मिल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। इन भाई साहब का जो रिएक्शन था वो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने कैमरा देखकर पता नहीं इतना ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये जो प्रैंक था आपको पसंद आया होगा, प्लीज जो लाइक वाला बटन है उसे फटाफट से दबाइए, करिए चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही धमाकेदार रिपोर्टिंग के लिए। अभी यहाँ पर बर्फबारी होगी तो हम फटाफट से निकल लेते हैं।